मिस्टर शिखावत, आप यहाँ? वो मैं यहाँ कृषि। कुछ कहने की जरूरत नहीं है स्मिता जी, हम समझ सकते हैं आप एक माँ हैं, और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हम आपके फैसले की इज्जत करते हैं स्मिता जी। स्मिता जी, जितना कृषि आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, उतना ही निर्वाण को भी आपकी बहुत जरूरत है। वो आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता स्मिता जी, उसे आदत पड़ गई है आपकी। वो कहते हैं ना कि बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप किसी भी हद तक चले जाते हैं, हम भी ना चाहते हुए अपने बेटे की खुशी की खातिर इस घर में आ गए ताकि आप निर्वाण और कृषि दोनों के साथ रह सकें। स्मिता जी, एक बात और कहना चाहते हैं, हमने आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, हम राजपूत हैं स्मिता जी, जब एक बार किसी का हाथ थामते हैं ना तो जिंदगी भर मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं, और हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है स्मिता जी, समझाते हैं कि हम अपने जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करें, इसे में हम सबकी भलाई है। थैंक यू मिस्टर शिखा, आई मीन आई रियली अप्रिशिएट। निर्वाण कहाँ है? वो बाहर है। मैं उसे मिलकर आती हूँ। ऋषि, चलो। हमें माफ कर दीजिए स्मिता जी, आज जिंदगी में पहली बार हमने आपसे झूठ कहा है, लेकिन ये सच है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकते। आपको पाने के लिए क्या हम हजार झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको अपना बनाकर ही रहेंगे किस भी कीमत पर। आए तो यहां अकेले हैं, लेकिन यहां से हम अपनी अस्मिता जी को लेकर ही वापस जाएंगे। हमारी बेइज्जती का भुगतान तो करना पड़ेगा उस शान को, उसके सामने आपको लेकर निकलेंगे यहां से, और वही सही बदला होगा हमारा। हर एक पल का हिसाब लिए बिना नहीं जाएंगे यहां से। बहुत अच्छा बन लिया हमने, अब दुनिया की नजरों में हम बुरे तो बड़े ही सही। सब कितना अच्छा है। अरे रे रे रे, वापस? तेरी बेइज्जती में कोई कमी रह गई क्या मुझसे? दिवाली का माहौल है, बच्चे भी खुश हैं, सब मजे कर रहे हैं, बाद में बात करें। ओहो, एक्सक्यूज मी। मुझे नहीं पता था आपको पटाखे इतने पसंद हैं। मुझे भी तो आज ही पता चला, क्योंकि इतने पासे तो मैंने कभी पटाखे देखे ही नहीं थे। मैं तो पहली बार इस तरह से दिवाली बना रही हूँ, वरना हर साल तो दूर खड़े होके देखती थी। पुराने मम्मी पापा तो पटाखे लाते ही नहीं थे। कोई बात नहीं, आपको अभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, मैं आपकी जिंदगी रोशन कर दूंगी।
अरे रूम में जाकर सो जाओ ना। क्यों? प्राइवेसी चाहिए तुम दोनों को। मैं यहीं पर रहूंगी तुम दोनों के साथ में। तुम्हारी मर्जी। सपना तुम्हारी वजह से हुआ है। अदनी सो रही है। सो चुकी है वो, देखो ना। हाँ तो धीरे बात करो ना। क्या बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? पुरानी पापी हो तुम। ये सब जो शरारती हरकतें हैं ना, तुम्हारे ही आइडियाज हो सकते हैं। ओ हेलो, मैं पुरानी पूछ रही हूँ जैसे चाइल्डिश हरकतें करूंगी? चलो कम से कम ये तो माना कि बचपन में तो करती थी ना। तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं। कितनी सेल्फिश है यार, खुद सो गए। मैं बताता हूँ इसका। मुझे भूख लगी है, मुझे सोना है। अच्छा, भूख लगी है, सोने दो ना। अच्छा बच्चू, खुद खराटे लेके सो रही है हा? अब देखो, तुम्हारे इस खराटे की वीडियो बनाकर तुम्हें शर्मिंदा करूंगा। अरे मुझे बहुत भूख लग रही, किचन में चलो। सोना है। अरे क्या सोना है, क्या सोना है, मुझे भूख लग रही है। चलो यार। चलो चलो। अरे यार क्या है? क्या कर रही हो तुम? ये करना क्या चाहती हो तुम? सच जानना चाहती हो ना? तो चलो, तो चलो, तो चलो। आज मैं तुम्हें सच बता ही देती हूं। ये क्या कर रही हो नंदिनी? बताओगी तुम मुझे? हाँ, दूसरों के पति पर डोरे डालने वाली घटिया औरत हो तुम, और तुम्हारे पास बताने के लिए है क्या?
ना शर्म है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अरे शान तो तुमसे इतनी नफरत करता है, बात बात पर तुम्हें बेइज्जत करता है। अरे दूध में से मक्खी की तरह उसने तुम्हें निकाल कर फेंक दिया, फिर भी उससे चिपकने के अरमान गए नहीं अब तक तुम्हारे। अस्मिता संभालो अपने आप को। बेचारी बच्ची दिवाली वाले दिन गिर गई। कितनी एक्साइटेड थी वो त्योहार को लेकर, दिवाली को लेकर। आई होप कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो वहां पर अकेली कर क्या रही थी। अस्मिता एक माँ होने के नाते तुम्हें उसका उतना तो ध्यान रखना ही चाहिए था ना। ये डॉक्टर इतना टाइम क्यों लगा रहा है? डॉक्टर, कृषि को क्या हुआ? उसे होश क्यों नहीं आ रहा है? कोई सीरियस बात तो नहीं है? बताइए ना डॉक्टर, क्या हुआ है कृषि को? देखिए, अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो इंजेक्शन और दवाइयों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। क्या मतलब है आपका? क्या क्या मतलब क्या इसका? शान, मेरी डेडी ना फाड़ के फेंक दो। तुम एक बच्ची का इलाज नहीं कर पा रहे हो, तुम यूजलेस हो क्या? यूजलेस हो तुम? शान, मेरी बात सुनो प्लीज। ऐसा क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर मजुमदार, शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। मैं समझ सकता हूँ एज अ पेरेंट आपको टेंशन हो रहा है, पर चोट गहरी है। जब तक ये होश में नहीं आ जाती कुछ भी कहना मुश्किल है। So please try to understand and cooperate. Rishi, please aake kholo na. Rishi, तुम आके खोलो। हाँ, तुम उठो ना, देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। देखो ना कृषि, मम्मा पापा अब साथ है। तुम तो यही चाहती थी ना। देखो आके खोल कर देखो, हम दोनों यही है, तुम्हारे सामने है। प्लीज आके खोलो ना कृषि। हाँ बेटा, अब आके खोलिए ना, एक बार देखिए तो। पापा भी हैं, मम्मा भी हैं, सब यहीं पे आप ही के पास हैं। एक बार आके खोलिए ना। प्लीज आके खोलिए ना, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप प्लीज आके खोल दीजिए ना प्लीज। हे भगवान, इसे आप हमेशा के लिए उठा लीजिए, बदले में 11 किलो सोना चढ़ाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा बेटा, आप स्ट्रांग है ना बेटा, उठिए बेटा, उठ जाइए ना एक बार। देखो मम्मा भी रो रही है ना। कृषि बेटा उठिए ना, कृषि उठो ना बेटा, कृषि। ठीक है ना? मम्मा, अच्छे पापा, मैं कहाँ हूँ?
बेटा ये क्या बोल रही हैं आप? कृषि बेटा आप अपने घर में हैं, अपने पापा के साथ, हम सबके साथ, और आप मुझे अच्छे पापा क्यों बुला रही हैं? अब तो आप मुझे पापा बुलाती हैं ना? पापा नहीं, अच्छे पापा। ये भोग वाली बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। थैंक यू कि आपने मुझे सही वक्त पर याद दिला दिया। अब इस भोग के जरिए कृषि की अंतिम विदाई होगी। वैसे मैं जानती हूँ कि कृषि नाम की स्पीड ब्रेकर को रास्ते से हटाने में मैं हर बार नाकामयाब रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मास्टर स्ट्रोक खेलूंगी मैं। तो क्या सोचा है आपने? कल हम दिवाली का भोग रखेंगे और गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे और इस भोग के जरिए कृषि की आहुति चढ़ेगी। हैप्पी दिवाली। इस तरह से दो काम हो जाएंगे, एक तो हमारी अस्मिता जी वह मिल जाएंगी और निर्वाण को उसकी माँ, एंड यस दिस विल बी अ हैप्पी दिवाली। कृषि हिलो मत, ठीक से बैठो। अरे आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? हिलना बंद कीजिए आप। कृषि। अच्छे पापा, अच्छे पापा। हैप्पी दिवाली प्रिंसेस। सेम टू यू। ये देखिए कि इतने सारे फटाके लेके आया। वाओ फटाके। फुलझड़ी पसंद आई? थैंक यू। इस पैकेट में क्या है? आप मम्मा के लिए साड़ी लाए हैं ना? खोलते देखो ना, प्लीज सीख के है ना, प्लीज मम्मा। हाँ चलो देखो खोल के। थैंक यू। एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हे भगवान, ऐसे कोई थैंक्स बोलता है क्या? क्या मम्मा आप भी? अरे प्यार से हाँ करो। एक दूसरे को थैंक्स बोलो। अरे जैसे मैंने किया था वैसे अच्छे वाले पापा। चलो चलो जल्दी से। चलो चलो चलती।
दिवाली हैप्पी दिवाली वो चाहत को भी फटाके देने जाना है तो मैं उसके पास जाता हूँ कृषि को ठीक कर दो माँ कृषि को ठीक कर दो माँ शाद का दर्द देखा नहीं जाता उसे उसे सब सच बता दो मन्नत मांग सकती हो तो उस मन्नत को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ धर्म है ही मेरा जब सपने आंखों के बिना देखे जा सकते हैं तो आंखों के बिना पूरे भी हो सकते हैं 12 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे सच में तुम्हारी याददाश्त गई है या तुम सिर्फ नाटक कर रही हो क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगी ना तो ये लोग तुम्हें इतने शौक देंगे ना कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी बोलो आपकी क्या बोल रही है मुझे कुछ नहीं पता प्लीज मुझे शौक मत दीजिए शौक तो तुम्हें देना ही होगा वरना शान तुम्हारी मेमोरी से कैसे जाएगा ले जाइए इसे प्लीज प्लीज नहीं प्लीज अंकल प्लीज इन्हें रोकिए ना ऋषि बेटा ये लोग जो भी कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं आप ये ट्रीटमेंट करवाएंगे तो अच्छी हो जाएंगी ठीक हो जाएंगे आप ले जाइए इसे मुझे पापा के पास जाने मुझे छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो छोड़ो मुझे मशीन फिट करो डॉक्टर लो वोल्टेज मम्मा के बाद जाने छोड़ो मुझे कृषि अरे देख क्या रहे आप पकड़िए उसे फोन करती हूँ
आज ये तो देख लिया ईशान कृषि से कितना प्यार करता है। बस अब कुछ ऐसा कर दीजिए भगवान कि वो उसे अपनी बेटी जैसी नहीं अपनी बेटी मान ले। मेरी कृषि ने नन्ही उम्र में बहुत सहा है, उसे सलामत रखना हमेशा और उसकी हर मुराद आप पूरी करना। शान मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। I'm shocked कृषि किसी खतरे में है।